Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. Hello, दोस्तों, स्वागत है आपका तीसरे episode of TradeFlix पे, जिसका नाम है Break Free. आज हम discuss करेंगे एक बहुत popular trading strategy, जो कई सालों से चलती आ रही है. But मैं आपको एक कुछ specific detailed nuances बताऊंगा, जो आपको एक successful trader बनने में मदद करेंगे. क्या है ये trading strategy? ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम है ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स. मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे सक्सेसफुली ट्रेड कर पाओगे ब्रेकआउट सिचुएशंस. ब्रेकआउट्स का फंडा क्या है? आप सोचिए कि एक पंछी है जो कई सालों से एक पिंजरे में बंद है. अगर लेट से 3-4 साल से वो पिंजरे में बंद है और वो कोशिश कर रहा था पिंजरे से निकलने की, बट आपने अभी तक पिंजरे का दरवाजा खोला ही नहीं. बट एक दिन फॉर व्हाटएवर रीजन पिंजरे का दरवाजा खुला. आप सोचिए वो पंछी कितनी ऊंचाई तक भागेगा. यही फिलॉसफी काम करती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में. कई सारे स्टॉक्स पिंजरे में बंद होते हैं कई सालों तक, बट जब वो पिंजरे से निकलते हैं तब वो भागते हैं. दूसरा तरीका इसके बारे में सोचने का है कि प्रिजन ब्रेक के जैसा है. अगर कोई कैदी जेल में बंद है, वो मेहनत करके जेल की दीवारों पे छलांग मारने की कोशिश करता है, और अगर उसने सक्सेसफुली छलांग मार ली तो वो क्या तेजी से दौड़ेगा और भागता रहेगा ताकि कोई उसे वापस जेल में डाल ना पाए. कुछ इसी तरह हमें सोचना चाहिए ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स के बारे में. तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे कि ब्रेकआउट्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, आपको ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करना चाहिए, अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, क्या अल्टरनेटिव सिनेरियोस हो सकते हैं, गलत ब्रेकआउट यानी फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो उसमें क्या करना चाहिए, और इसे हम फिर वापस समराइज करेंगे. लेट्स डाइव इनटू दिस ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. जैसे मैंने बताया, अगर कई सालों तक कोई स्टॉक पिंजरे में बंद है, और हम पिंजरे में बंद है उसका मतलब, इसके पहले वाले एपिसोड मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ सीलिंग, यानी वो सीलिंग पे सप्लाई आते जा रहा है, स्टॉक वो सीलिंग के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, तो वो सीलिंग के पिंजरे में बंद है. फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का लेते हैं. निफ्टी 2008 के टॉप के बाद 2014 तक उसका एक सीलिंग बन गया था 6,500 के लेवल का. ऊपर जाता था, वापस नीचे आ जाता था, ऊपर आ जाता, नीचे आ जाता. निफ्टी एक पिंजरे में बंद था जो 6,400 का लेवल था. बट मोदी जी के 2014 की इलेक्शन विक्ट्री के बाद पिंजरे का दरवाजा खुला और मार्केट भागा. मार्केट इतनी तेजी से भागा कि कुछ ही समय में ये 6,500 वाला लेवल आज की तारीख में 11,000 हो गया है इन 4-5 ईयर पीरियड. यानी एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आप केज में से ब्रेकआउट होते हो तो आप फ्लाई कर सकते हो. टिपिकली ब्रेकआउट के बाद 3 सिचुएशन हो सकती है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप भागोगे. आप सोचो, आप जेल में किसी कैदी को रखा है, वो भागने की कोशिश करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, तो पहले क्या होगा कि अगर वो छलांग मार के कूद के दीवार के बाहर जाने की कोशिश करेगा तो पहले भागेगा ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए. तो वो केस में स्टॉक्स नई ऊंचाई तक भागते रहेंगे, वो एस्केप कर लेगा और वो कंप्लीटली वो विसिनिटी से बाहर निकल जाएगा. दूसरा चीज क्या होगा कि उसने बहुत मेहनत की होगी छलांग मारने के लिए, स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, जेल से निकलने के लिए. इसके लिए जब छलांग मार के भागेगा, लेट से अगर कोई फॉरेस्ट में है तो वो थोड़ा टाइम रुकेगा, सांस लेगा और फिर वापस भागना शुरू करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत मेहनत की है जेल से निकलने के लिए. और तीसरा चीज क्या है कि बस वो एक बार छलांग लगाएगा, भागेगा, अगर फॉरेस्ट में आके अटक गया है तो थोड़ा टाइम हाइड करेगा, थोड़ा टाइम संभलेगा, अगर लोग उसे ढूंढने की कोशिश करें तो वेट करेगा सब लोग निकल जाए, और फिर एक बार माहौल शांत हो जाए फिर वो वापस भागने की कोशिश करेगा. वो 3 सिचुएशन उसी तरह स्टॉक ब्रेकआउट्स में भी होती है कि फर्स्ट कि अगर एक ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक नए हाई तक जाएंगे और ऐसी ऊंचाइयां छुएंगे जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखी. दूसरा कि स्टॉक थोड़ा दूर भागेंगे अपने ब्रेकआउट लेवल से, अपने सीलिंग से,
वापस थोड़ा सीलिंग के आसपास आएंगे, थोड़ा टाइम सांस लेंगे और फिर वापस भागेंगे। और तीसरा केस कि एक बार ब्रेकआउट हो जाने के बाद वो जो ब्रेकआउट का लेवल है वो बेस लेवल बन जाएगा और वो थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट होंगे और फिर भागेंगे। लाइव एग्जांपल्स लेते हैं, रियल लाइफ मार्केट एग्जांपल लेते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल दीज थ्री सिनेरियोस। पहला सिनेरियो, जैसे मैंने बताया, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है। 2015 से लेकर 2017 तक जब पतंजलि की हवा चल रही थी तब हिंदुस्तान यूनिलीवर 900 और 750 के पिंजरे में बंद था। 750 का फ्लोर, 900 रुपए का सीलिंग। अगर आप देखोगे तो भाव 900 तक जाता था, नीचे आ जाता था, 750 से वापस 900 तक जाता था, नीचे आ जाता था। बट जब फाइनली वो 900 रुपए के पिंजरे से निकला तो स्टॉक रॉकेट हो गया, मार्केट डबल हो गया ऑलमोस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी भी 2 साल के अंदर भाव 900 रुपए वाला 1800 रुपए हो गया। ये था अपना फर्स्ट सिचुएशन कि ब्रेकआउट हुआ और रॉकेट न्यू हाइस के तरफ स्टॉक भागता है। दैट वाज सिनेरियो वन। सिनेरियो टू में क्या होगा कि एक और एग्जांपल था फॉर द ब्रेकआउट स्टॉक, ये है नौकरी का स्टॉक। बिफोर आई मूव टू सिनेरियो टू, अगेन ये कई सालों तक फ्रॉम 2015 टू 2018 एक जोन में फंसा हुआ था फ्रॉम बिटवीन 1000 रुपीज टू 700 और रुपीज। बट जब 1000 का वैल्यू क्रॉस हुआ तो ये स्टॉक भाग के सीधा 2200 रुपया हो गया। सो सिचुएशन वन वॉज कि वंस अ स्टॉक ब्रेक्स आउट इट एक्चुअली अचीव्स न्यू हाइट्स। सिचुएशन टू जो था कि भाई मैंने जेल से निकलने के लिए बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत प्लानिंग की, फाइनली छलांग लगाई बट मैं और मैं कूद भी गया बट मैं थक गया, तो यानी मैं और यहाँ से 5 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भाग नहीं सकता, मुझे थोड़ी सांस लेने की जगह चाहिए और फिर मैं भागूंगा। तो वो सिचुएशन में क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल है कोटक बैंक का। कोटक बैंक भी 2015 से सीलिंग में फंसा हुआ था अंदाज से 700 रुपए के आसपास। तो अगर आप देखोगे 700 रुपए के आसपास जाता था, वापस 650 आता था, वापस 700 जाता था, 650 आता था। बट जब फाइनली उसने 700 रुपए के बैरियर क्रॉस की तब वो एकदम से भागा नहीं बट थोड़ा टाइम सांस लिया। सो फ्रॉम जुलाई 2016 टिल एंड ऑफ 2016 दिसंबर स्टॉक 700 रुपए के ब्रेकआउट के बैरियर से बाहर निकला। वो जेल में वापस नहीं गए, जेल से निकल के थोड़ा टाइम बाहर सेटल हुआ, वापस 700 लेवल के आसपास आया और एक बार उसने सांस ले ली तो ये स्टॉक एब्सोल्यूट हाई तक भागा। यानी 750 रुपए वाला भाव आज की तारीख में हो गया है 1500 रुपया। सो दिस वॉज द सिचुएशन नंबर टू, यानी स्टॉक्स रन करेंगे, ब्रेकआउट से निकलेंगे, थोड़ा टाइम ब्रीथ करेंगे और फिर स्प्रिंट करेंगे। सिचुएशन नंबर टू। तीसरा सिचुएशन क्या है, तीसरा सिचुएशन है कि ब्रेकआउट हो गया, जेल से निकल गए बट फिलहाल कुछ समय के लिए कंसोलिडेट कर रहे हैं, माहौल को देख रहे हैं, करंटली संभल अपने आप को संभाल रहे हैं और फिर दौड़ेंगे। ये तीसरा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल बर्जर पेंट 275 लेवल के आसपास कई सालों से वो एक सीलिंग बन गई थी, स्टॉक वहाँ तक जाता था, नीचे आ जाता था, वापस वहाँ तक जाता था, वही रेंज में रहता था। फाइनली जब 275 में ब्रेकआउट आया उसके बाद स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही रहा है बट तब पिछले एक आध साल से कंसोलिडेट कर रहा है इन द 280 टू 330 जोन। स्टॉक रॉकेट की तरह भागा नहीं बट कंसोलिडेट हो रहा है एंड सब्सिक्वेंटली भागेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज ऑल्सो कि एक बार ब्रेकआउट आ जाए तो ब्रेकआउट का लेवल जो निकलता है वो फ्लोर बन जाता है आगे की फ्यूचर रैली के लिए। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट 800 रुपए का एक ब्रेकआउट का सीलिंग बन गया था, स्टॉक 800 रुपए के ऊपर नहीं जा पा रहा था कुछ डेढ़ एक साल के लिए। बट जब फाइनली वो 800 रुपए के ऊपर गया तब 1200 रुपए तक दौड़ा, यानी विच इज अ गुड 50% अप मूव। ये रॉकेट मूव था बट अगर कुछ बैड न्यूज आई तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा कि जो पहले का ब्रेकआउट लेवल था, जो सीलिंग था, अब वो फ्लोर बन गया है
फ्यूचर रैलीज के लिए। सो 1200 बन गया नया सीलिंग, 800 रुपया बन गया नया फ्लोर। दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। तो ब्रेकआउट में तीन सिचुएशन हो सकती है, या स्टॉक्स रॉकेट के जैसे भागेंगे, या तो स्टॉक्स थोड़ा भागेंगे, सांस लेंगे, वापस कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट लेवल पर आएंगे, फिर भागेंगे, या तो तीसरा ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन फेज में चले जाएंगे। बट एक चीज जो ध्यान में रखने की जरूरत है, जो आपको आइडेंटिफाई करने देगी कि ब्रेकआउट की ताकत क्या है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सप्लेन्स द फोर्स ऑफ द ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट में कितनी ताकत है, वो आदमी में जेल से छलांग मारने के बाद कितनी ताकत से वो दौड़ पाएगा, वो आपको वॉल्यूम बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्टॉक जिस जो 200 एंड के आसपास के लेवल्स पे कई सालों से वो ब्रेकआउट का लेवल अटका हुआ है। जब फाइनली ब्रेकआउट आता है फ्रॉम द 200 लेवल्स एंड अप, लुक एट द फोर्स ऑफ द वॉल्यूम, इट एक्चुअली रन्स विद, एंड वो जो रॉकेट मूव आती है वो ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ आती है। अगर आप देखें तो ये पूरे जोन में एकदम डल वॉल्यूम्स था, मार्केट सीलिंग के आसपास जाता था, बट कोई फोर्स नहीं था। जब फाइनली ब्रेकआउट आया तब फोर्स से भाव स्टॉक का बढ़ा और भाव बढ़ के रॉकेट की तरह चलने लगा। तो एक्चुअली अभी ट्रेडर को ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करना चाहिए? फर्स्ट, ब्रेकआउट एक्चुअली ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एक बार ब्रेकआउट हो गया तब वो लंबे समय तक परसिस्ट करेगा, लंबे समय तक वो स्टॉक कंपनी का फ्लोर बन जाएगा। तो दे आर अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो एंड बाय आउट दैट स्टॉक और कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यू've गॉट टू ट्रेड आफ्टर अ ब्रेकआउट, नॉट इन एंटिसिपेशन। यानी जेल से बाहर छलांग मारने के बाद या पिंजरे से बाहर निकलने के बाद ही वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको एंटिसिपेट या गेस नहीं करना चाहिए कि बस अभी पिंजरा खुलेगा और मैं पहले ही ले लूं, उसका वो आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई केसेस में जब ब्रेकआउट होता है तब स्टॉक्स 100% 50% 150% रैली होते हैं। तो अगर आपने 1-2% महंगा भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ब्रेकआउट के बाद ही वो ट्रेड में एंटर करें। आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, और ये बात पे मैं फर्दर डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम थोड़े टाइम समय में बात करेंगे। बट स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, यानी कोई स्टॉक में 7-8 साल के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, और या 3-4 साल के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप 200 डे मूविंग एवरेज को आप स्टॉप रखिए और फिर उससे खेलिए। अगर कई केसेस में आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो जो ब्रेकआउट लेवल इटसेल्फ है उससे आप थोड़ा नीचे के एक विपशो का टारगेट रखिए, फिर आप स्टॉप लॉस रखिए। दूसरे केसेस में आप, अगर लेट से आप शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 200 डे मूविंग एवरेज के बदले 50 डे मूविंग एवरेज को भी आप स्टॉप लॉस लेवल रख सकते हैं। एट द सेम टाइम कई बार आप इंट्राडे ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हो। सो यानी स्टॉक्स अगर 5-6 दिन से एक सीलिंग में फंसे हुए हैं और वो फाइनली ब्रेकआउट करते हैं, तो आप आवरली चार्ट और मिनटली चार्ट पे आप 30 मिनट ब्रेकआउट भी यूज कर सकते हो, 30 मिनट मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग अ स्टॉप लॉस। बट स्टॉप लॉस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल टेल यू व्हाई इन अ बिट। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो अगर ब्रेकआउट का टाइम लंबा रहेगा तो जो फोर्स से स्टॉक बढ़ेगा वो उतना ही लंबा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 साल के बाद ब्रेकआउट आता है तो जो वर्टिकल फोर्स से स्टॉक ऊपर जाएगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। आप सोचिए, जितने लंबे समय तक आप अगर कैदी को जेल में रख के रखोगे, उतनी ही ज्यादा मोटिवेशन के बाद वो जब वो भाग के एस्केप कर पाएगा तब उतने ही मोटिवेशन से वो भाग पाएगा। सिमिलरली, अगर आपने कोई पंछी को केज में बंद के रख करके रखा है बहुत टाइम तक, तो वो एक बार अगर आपने पिंजरा खोल दिया तो वो बहुत ही तेजी से भागेगा, वापस कभी नहीं आएगा। बट लेट से अगर रोज
आप एक बार दरवाजा खोलते हो पंछी के लिए, वो एक दिन जाता है फिर वो घूम के वापस आ जाएगा। हफ्ते में दो बार आप उसको बाहर घूमने देने जाते हो तो वो पिंजरा खुलेगा वापस आ जाएगा। यानी टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत लंबे समय तक टाइम आता है तो मूव विल बी दैट मच मोर स्ट्रॉन्गर। सो हाउ डू यू ट्रेड अ ब्रेकआउट? यू बाय फॉर अ लॉन्ग ह्यूज अपसाइड, बाय एंड ट्रेड आफ्टर द ब्रेकआउट, नॉट इन एंटिसिपेशन। स्टॉप लॉस आपको रखना बहुत जरूरी है, या तो आप कोई मूविंग एवरेज ले सकते हैं जो हमने पहले के एपिसोड में डिस्कस किया, या आप एक्चुअल एक हॉरिजॉन्टल लेवल ले सकते हैं। जितना लंबे समय के बाद ब्रेकआउट आएगा उतना ही ब्रेकआउट पावरफुल होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि ब्रेकआउट के बाद आप एग्जिट कैसे करोगे ट्रेड। यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी एक बार ब्रेकआउट आ गया और आपने यहां पे एंट्री ले ली, उसके बाद आप क्या करोगे? अगर आप लेट से 100 रुपए के आसपास आपने ब्रेकआउट का लेवल था, आपने 95 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस रखा, बट 100 के बाद भाव चल के 130 रुपए हो गया, और तो फिर आपने क्या खरीद दिया कि स्टॉप लॉस को आपने 95 से लेके 105 के आसपास आप लेके आए, फिर 130 रुपए वाला भाव 140 रुपए हो गया, तो आप 105 से 125-130। सो बेसिकली आप हर लेवल पे आपने आपका स्टॉप लॉस 95 से 105, 125, 155, 175 करते गए, और जब भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल ब्रेक हो गया तब आप ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लंबे समय तक एक्चुअली ट्रेड को कैरी कर पाओगे, और जितनी उसकी ताकत है आप एंड तक वो ट्रेड में साथ निभा पाओगे और पैसा कमा पाओगे। लंबे समय तक पैसा कमाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एंड यू होल्ड। आप ऐसा ना सोचिए कि 100 रुपए हो गया, 100 का 125 हो गया, मैं बेच देता हूं। इससे क्या होगा कि आप एक तो वो स्टॉक ने कई समय के बाद, कई सालों बाद छलांग लगाई है, और छलांग लगाने के बाद आप बस 100 ही मीटर में भाग गए, आपने बंद कर दी। ये नहीं होगा, आपको लंबे समय तक उसको रन करने देना है, और जब वो थकेगा और स्टॉक नीचे आएगा तब आपका एडजस्टेड स्टॉप लॉस पे आप एग्जिट कीजिए। इससे यू विल बी एबल टू मेक श्योर दैट आप लंबी मूव, पूरी मूव कैप्चर कर पाए। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट एक्चुअली फेल भी हो सकते हैं। हर कोई कैदी जेल से निकलने की कोशिश करता है, अगर जेल से निकल, बट क्या सब लोग कर पाते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ओनली वेरी वेरी फ्यू कैंडिडेट्स कैन एक्चुअली प्लान एंड ब्रेक आउट। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी डील विद फेल्ड ब्रेकआउट्स। बिकॉज दो चीज हो सकती है कि या तो आप एस्केप ही नहीं कर पाओ, तो उसके लिए तो प्रोटेक्शन क्या है कि आप एक बार एस्केप होने के बाद ही ट्रेड एंटर करो। बट दूसरा क्या सिचुएशन है कि आपने एस्केप किया, बट आप जब जेल से एस्केप करोगे तो पूरी फौज आपके पीछे आएगी आपको पकड़ने के लिए और आपको वापस जेल में डालने के लिए, और ऐसा बहुत बार होगा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल कि ये कोल इंडिया का स्टॉक है, एक वेरी वेल डिफाइंड सीलिंग है 400 रुपए का लेवल के आसपास। फाइनली आपको लगा यार ये तो ब्रेकआउट हो गया, ये स्टॉक जेल से निकल गया, बट सारी कायनात चाहती थी कि ये वापस नीचे आ जाए। फिर क्या हुआ? फॉल्स ब्रेकआउट, पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वापस जेल में चले गए, 300 रुपए का भाव हो गया। ये था फेल्ड ब्रेकआउट। ऐसे कई बार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट फेल भी हो सकते हैं बिकॉज वो अंडरलाइन फोर्स स्ट्रांग नहीं था या कंपनी बुरी थी। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ब्रेकआउट फेल होते हैं। 4 out of 10 ब्रेकआउट्स ओनली विल बी सक्सेसफुल, यानी 6 बार ब्रेकआउट्स तो एक्चुअली फेल होने का चांसेस है। तो इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी कि आप एक टाइट स्टॉप लॉस लेके काम करें, बिकॉज अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपका पैसा सिग्निफिकेंटली डूब सकता है। ब्रेकआउट फेल क्यों होते? फेल होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स नहीं था, इट वॉज अ वेरी शैलो ब्रेकआउट विथ वेरी लिटिल और नो फोर्स ऑफ वॉल्यूम, यानी उसमें कोई ताकत ही नहीं थी भागने के लिए, इसके लिए एक फॉल्स बैक। और कि ब्रेकआउट होने के बाद कोई बैड पॉलिसी न्यूज आ गई या कुछ खराब न्यूज आ गई कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, तो वो ब्रेकआउट
फेल हो जाएगा। इसके लिए ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो यू मेक श्योर दैट इफ इट फेल्स कीप अ स्टॉप सो दैट यू डू नॉट लूज मनी। दिस इज निफ्टी इन 2019 जून। इफ यू ऑब्जर्व मोदी जी के सेकेंड टर्म के बाद जून में एक फ्रेश ब्रेकआउट की एक सिचुएशन बनी हुई थी। 11,800 का एक हाई था जो सीलिंग बन गया था मार्केट में, और न्यूज के बाद मोदी जी आ गए उसके बाद एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया मार्केट ने, बट मार्केट में जरा भी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। अगर आपने ये फॉल्स ब्रेकआउट में एंट्री की होती तो यू वुड हैव बीन डाउन बाय अ गुड 10%। देयरफॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज अ ब्यूटिफुल स्ट्रेटजी। आप 4 hour टाइम्स you will be absolutely right and it will be a beautiful breakout, but there is no guarantee, and therefore risk management with a stop loss is a must. Now how do you increase your chances of making sure that you are successful in a breakout? We'll recap with one. You identify a particular stock for breakout, and for when you identify a stock aapko ye dhyan mein rakhna bahut zaruri hai कि अगर ये अच्छा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट जो हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया है, इफ इट इज अ गुड बिजनेस विद गुड स्ट्रांग अंडरलाइंग फंडामेंटल्स एंड अ ब्रेकआउट हैपेंस इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, देन यू हैव अ हायर चांसेस, अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बट अगर कोई पुअर बिजनेस पे आपने ट्रेड किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आरकॉम में ट्रेड किया या कोई एवरेज बिजनेस में ट्रेड किया जैसे कोल इंडिया में, तो चांसेस ऑफ ब्रेकआउट बीइंग सक्सेसफुल आर लोअर। देयरफॉर यू हैव टू कंबाइन आपके पहले एपिसोड की लर्निंग कि कौन सा बिजनेस T20 के लिए सूटेबल है, कौन सा बिजनेस अच्छा बिजनेस है, वो आप लर्निंग को कंबाइन कीजिए विथ योर ब्रेकआउट लर्निंग एंड आइडेंटिफाई ओनली गुड बिजनेस वेयर ब्रेकआउट्स हैपन। सेकेंड, यू प्लीज गो आउट एंड बाय आफ्टर द ब्रेकआउट हैपन्स, यानी उसको पिंजरे से निकलने दो, पिंजरे से निकलने के पहले उसमें ट्रेड मत करो। थर्ड, एग्जिट कब करोगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी आप यूज करिए एग्जिट के लिए। आपके लाइकिंग की मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, वेदर इट इज 50 डे, 100 डे, 200 डे, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो यूज करिए फॉर द पर्पज ऑफ एग्जिट, ताकि आप लंबी मूव पोस्ट ब्रेकआउट कैप्चर कर पाए। Use stop loss. This is one of the most important principles. कि आप stop loss protection आपको रखना पड़ेगा। Breakout strategy आप अगर आप long term breakout play कर रहे हो तो आप लंबी average use कर सकते हो for a stop loss purpose. अगर आप intraday breakout use कर रहे हो, trading कर रहे हो, तो आप intraday moving averages भी use कर सकते हो। दूसरे कई parameters भी है जैसे average true range, वो भी आप यूज कर सकते हो फॉर द purposes ऑफ ब्रेकआउट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप स्टॉप लॉस यूज करें। एक और चीज जो ध्यान में रखनी जरूरी है कि आप स्टॉप लॉस जब रखें तो आपको थोड़ा मार्जिन रखना पड़ेगा कि अगर कोई विप्शो आता है तो आप फंस ना जाए। यानी अगर 100 रुपए में ब्रेकआउट होता है तो आप प्लीज मेक, एंड अगर 5 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ है तो डू नॉट कीप अ स्टॉप लॉस एट 99। यू मस्ट कीप अ रीजनेबल साइज स्टॉप लॉस सो दैट इवन इफ कोई छोटी मोटी मूव आती है और विप्शो आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो द रूल ऑफ थंब इज कि आप 7% का स्टॉप लॉस लिमिट रखिए। अगर आप एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म इंट्राडे ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो आप 0.7% या 1% का स्टॉप लॉस रखिए। सो आपको इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद यूजिंग मूविंग एवरेजेस एज स्टॉप लॉस, यू कैन यूज फिक्स परसेंटेज लिमिट्स ऑल्सो, डिपेंडिंग कि कितने टाइम के बाद ब्रेकआउट आ रहा है और कितने लंबे समय तक का आप ब्रेकआउट प्ले करना चाहते हो। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, नो इमोशंस आर इंपॉर्टेंट, डू नॉट गेट इमोशनल एंड बिकम एन इन्वेस्टर। यानी अगर आप कोल इंडिया फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया और आपने आइडेंटिफाई किया कि वो फॉल्स ब्रेकआउट था, आप ऐसा मत सोचिए कि कोल इंडिया तो गवर्नमेंट कंपनी है, इसका तो भाव बाद में बढ़ ही जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाता हूँ, बाद में जब मेरी कॉस्ट आएगी तब मैं खरीदूंगा। प्लीज इमोशनल होने की गलती मत करिए। अगर आपने एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस रखा है तो आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट करिए, भले जो होगा वो
उसमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन से ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फॉलो की तो जो आपको 4-5 सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलेंगे वो आपके जो 4-5 लॉस वाले ब्रेकआउट होंगे उससे कई ज्यादा पैसा आपको बना के देंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू यूज अ वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच एंड डू नॉट लेट इमोशंस कम इन. दैट सम्स अप टुडेज एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग हाउ टू ऑफ ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स. अगले एपिसोड में हम ये कवर करेंगे कि अगर आप केज्ड चूहे को छोड़ोगे तो क्या होगा, यानी इसका ऑपोजिट, हाउ डू यू ट्रेड ब्रेकडाउन्स. So join me for the next episode that will be coming soon. Thank you.